सर माफ कीजिए लेकिन हम ये नाटक अबॉर्ड नहीं कर सकते, हम सच्चाई नहीं छुपा सकते। हम अपनी पूरी टीम को बताने वाले हैं कि हम हसीना मलिक ही हैं। हमने सभी को परख लिया है और श्योर है कि हमारी टीम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे सर। मिशन की कामयाबी के इतने नजदीक पहुँच कर मैं तुम्हें कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगा। I'm sure. अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उसे जानकर इस केस को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरी तुम्हारी कल्पना के बहुत परे है। ऐसा कौन सा राज है सर? ये हम फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, मिलके बात करते हैं। जी सर, जय हिंद। हाँ चटक संदी, बोल अभी क्या नया फटाका फोड़ने वाली है तू? क्या किया तुमने? ओह तो पता चल गया। हम सबको पता है कि आपने क्या किया। कभी कभी तुम लोग पुलिस वालों का काम कर लेते हो। हम तुम्हारा ये ड्रामा, ये चोचलाबाजी का बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम का फोटो अपलोड करने का? ये तुम्हारा ही करतूत है ना? हाँ हाँ मेरा ही करतूत है। करतूत, वेरी गुड। अभी देखो थोड़ा जरा आंखें खोल के देखती ना फटाकड़ी तो मालूम गिरता कि ये तुम्हारी पकाओ हसीना मैडम नहीं है। मैं उर्मिला महादेव मात्रे। अरे रुक जरा देखते। ए, कितना बोली लगा रे मेरा। ए, हट, छे, छे, एक ही लाख रुपए लगा। ए, क्या रे कोई वैल्यू ही नहीं है। कम से कम 10 लाख का बोली लगा था, फालतू 1 लाख में भूखट इज्जत का फटाका गया। किसके कहने में? तुमने किसका परमिशन लिया? तुमने किससे पूछा यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हसीना मैडम की नकल कर रही हो, उनकी तरह बन रही हो तो क्या हसीना मैडम समझने लगी हो खुद को तुम? पुलिस थाना है ये, गंभीरता समझो यहाँ की। यहाँ पे गलती का एक गुंजाइश नहीं होता है। तुमने किसी से भी पूछा इतना बड़ा कांड करने से पहले? संतू डिलीट करो। ए नहीं नहीं रुक रुक रुक। अरे पहले डिलीट करने से पहले देख तो ले कि उसने जवाब क्या दिया ये बोलती बंद का, पहले वो तो चेक कर ले। जब देखो तब ए रुक जा रुक 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 गई। ये देख क्या जवाब आया। देख मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मुझे अपना नंबर भेजो। मैंने नंबर भेज दिया। क्या टोपा हो क्या तुम? तुम्हें टाइम पास ही करना है तो जाके तुम्हारा वो लगोरी खेलो ना जाके। ये क्या टाइम पास कर रही हो तुम? जाओ जाके तुम खेलो। संतू डिलीट करो। नहीं नहीं रुको 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 एक सेकंड। डिलीट कर देना जब तुम्हारा मन करे, उसके पहले देख लेते हैं उसने क्या। हे भग एक ही मंजिल के राही हमेशा दोस्त होते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हसीना मलिक और उसके महिला थाने को ऐसा सबक मिले जिसे वो याद रखे। देखा? नहीं एक मिनट, अपने ही फोन से मैसेज, मतलब हमारे पास उसका नंबर है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। अरे मेरी सफेदी की चमकार, क्या मस्त ट्यूबलाइट है रे। अभी समझा तुम लोग को कि ये सब मैंने काय के लिए किया। अरे इतने टाइम से अपन ये बोलती बन के मास्टरमाइंड के ढूंढने के पीछे लगे, देखना अभी अपन उस तक पहुंच सकते है। मतलब ब्रिलियंट हो आप, इतने टाइम से वो साइबर सेल वाले कोशिश कर रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने इतने इजीली ट्रैप कर लिया। इतना आसान से केस सॉल्व, गजब गजब है गजब। देखा मैं बोली तेरे को मैं बहुत इंटेलिजेंट है, तू ही मेरे को भाव नहीं देता रे। सॉरी बोलेगी ना अभी तू? किस बात के लिए? अरे काशी आए ही, छोड़ जाने दे मेरे को, मालूम है सोरू बीरी तेरे से होएगा नहीं, बहुत ईगो है ना तेरे में। चल शाबाशी दे दे मेरे को, क्या मस्त काम किया है मैं। सॉरी तो बोलना है, बोल दो ना मैडम। तुम बोल दो। मैं वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं 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 सर, तू बहुत मुश्किल से कबूतर हमारे झांसे में आए, हम नहीं चाहते हमारे चुंगल से बाहर निकले, तुम समझ रही हो। तुम उसको रिप्लाई करो, तुम उसको लिखो कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। रिप्लाई आ गया मैडम। का पूछ रहा है कि कहाँ मिल सकते हैं। अब फंसा ना ये कबूतर हमारे जाल में। अब नहीं बच पाएगा ये जो कोई भी है बोलती बंद ऐप के पीछे। चलिए जी। हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली जी।
अरे पुष्पा जी, अरे आप खुद एक औरत हैं, ऊपर से आप पुलिस वाली हैं और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं, बाखुदा, अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई। नवाब साहब, ये सब नकली हैं, नकली बोली, नकली लोग, सब नकली। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे लेकिन हम क्यों? क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं। सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। आप दोनों कौन? अरे हमें पहचान नहीं, हम इकबाल, इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ल्ड। ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया? पुष्पा जी, हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे मिशन कैंसिल। अरे अरे रुको 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 रुको, तुम दोनों। अच्छा पुष्पा जी, नवाब साहब, आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना। अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी। का? मदद मदद करने के लिए आए हैं ना आप? हाँ। तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी। जी, जी, जी। हाँ। बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा। सीधी लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या नवाब साहब आप भी? एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। कौन इस तरह? हाँ बोलिए जी, बोलिए। अच्छा मेरे को बताओ, वो अटक लगा हुआ पहुंचा क्या उधर? नहीं ना, अभी तक नहीं आया वो। हम भी कब से उसका इंतजार कर रहे, पता नहीं कहाँ अटक गया है। अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने में पता चलेगा तो बताएंगे। रख फोन। होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए, वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। और आगे जाके वो रुक चुका है। कहाँ संतु, कहाँ? सीधा लेके पहला राइट चीज़े, थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है। राइट लो। मैडम वो मैडम ये देखिए मैडम, इतना चालू निकला ही अपना फोन यहाँ छोड़कर गया है। अब कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब? अरे वो कब आएगा, कब वो प्लान होगा और कब हम जो है नीलामी की बोरी लगाएंगे? हाँ पुष्पा जी देखिए, यहाँ बोरी लगाने के लिए बिठा रखा है, दुकान पे हम किसी और को बिठा के हैं, नुकसान हो रहा है। अब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों। बैठो। और नवाब साहब आप? पुष्पा जी बस थोड़ी देर और, बिल्लू आता ही होगा। बिल्लू का मैसेज, आप लोग तैयार हो जाइए नाटक के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।